अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नई मुंबई के सरकारी अस्पताल की लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस अस्पताल में रखी लाश गायब हो गई है, जहां अस्पताल वाले लाश घर वालों को देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं घर वाले लाश को गायब करने का आरोप अस्पताल पर लगा रहे हैं। मामला नई मुंबई के वाशी सरकारी अस्पताल का है। आपको बता दें, नई मुंबई के एनआरआई कांस्टेबल पुलिस को 9 मई को एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी, जिसे पुलिस ने वाशी सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में जमा करवाया था। उसके बाद ये लाश किसकी है, इसकी छानबीन की गई। पता चला मरने वाला युवक, जिसका नाम उमर फारूक शेख 29 साल और ये उलवे गाँव का रहने वाला है। जब इसके घर वालों को पता चला तो वो इस सरकारी अस्पताल में लाश लेने गए, जहां डॉक्टरों ने लाश का कोविड-19 टेस्ट करना है, 3-4 दिन बाद आकर लाश और रिपोर्ट ले जाना। जब 4 दिन बाद परिवार वाले लाश लेने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर कर्मचारी और इस अस्पताल के डीन ने इनको कोई जवाब नहीं दिया, इनसे बात करने को तैयार नहीं हुए और उन्हें वहां से भगा दिया। इस पूरे मामले में मरने वाले फारूक शेख के भाई ने क्या कहा और क्या जानकारी दी, आप सुनिए। मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक शेख, उम्र 29 मतलब 29 साल है। मैं हम लोग 9 तारीख को इधर आके बॉडी जमा किए थे ये सरकारी हॉस्पिटल में। ये पीछे जो दिख रहा है ना, ये वो ये हॉस्पिटल पे हम लोग बॉडी जमा किए थे। तो अभी कोरोना का टेस्ट के लिए हम लोग कोविड-19 मतलब कोरोना के टेस्ट के लिए हम लोग बॉडी इधर रखे थे, जमा कर मतलब एडमिट करके गए थे। अभी 3 दिन बाद वो लोग बोला कि 3-4 दिन बाद एमएमसी हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किए थे। अभी बोला कि 3-4 दिन बाद आके रिपोर्ट लेके जाओ। हम लोग 3-4 दिन बाद आए, मतलब आज मेरे को कॉल करके बोला कि नेगेटिव आया है, रिपोर्ट में नेगेटिव आया और बोला कि बॉडी लेके जाओ। लेकिन हम कल से आ रहे हैं इधर, मेरे को बॉडी भी नहीं दे रहा और मेरे से को यह देखो रिपोर्ट, यह रिपोर्ट अभी यह है रिपोर्ट, मेरा जो रिपोर्ट दिखाया आपको, आप लोगों को यह मेरा रिपोर्ट है। तो अभी मेरे से बात भी नहीं कर रहा है वो डॉक्टर और वो दिन वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा है और इधर का कोई भी मेरे को मतलब भगा रहा है, इधर से कोई बात भी नहीं कर रहा है। बॉडी कहाँ है, मेरे भाई का बॉडी चाहिए मेरे को। कैसे भी करके मैं सरकार से विनती करता हूँ, ये कौन सा कानून है, बॉडी गायब हो जा रहा है इधर में, बॉडी के पास में बॉडी को हुआ क्या है, मेरे को बॉडी चाहिए। जैसे भी करके मेरे को यहाँ से बॉडी लेकर जाना है। अभी डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं कि बॉडी नहीं है, तो बॉडी कहाँ गया है, बॉडी गुम हो गया क्या, वो जिंदा हो गया, वो तो जिंदा नहीं हो सकता, वो मरा हुआ इंसान है, उसको मेरे को बॉडी चाहिए, जैसे भी करके वो मेरे को बॉडी दो। तो आपने सुना कैसे मनपा के सरकारी अस्पताल कितनी लापरवाही कर रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि पुलिस द्वारा जमा की गई लाश कहां गई, जिसका जवाब इस अस्पताल के पास नहीं है कि आखिर लाश कहां गायब हो गई। और इसके घर वाले अब सरकार से अपील करके अपने भाई की लाश दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।